प्रयागराज के मऊआमा नगर पंचायत अध्यक्ष की जीत जो हुई है वो समाजवादी पार्टी की हुई है, और हमारे साथ यहाँ पर जीते हुए जो प्रत्याशी हैं शुएब भाई, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आपने एक बार फिर से जीत का जो परचम है वो लहराया है, चौथी बार आपको जीत मिली है और अब आप नगर पंचायत अध्यक्ष मऊआमा से आप अध्यक्ष चुने गए, चेयरमैन चुने गए हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि लगातार चौथी जीत है, क्या कहना चाहते हैं? ये जीत हमारे जनता की जीत है, जनता की विश्वास की जीत है, मेरे साथियों, मेरे सहयोगियों, मेरे करीबियों की जीत है, और सबसे बड़ी जीत तो जो हमारे यूनिटी एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी के मेरे दोस्त लोग हैं, ये उनकी जीत है। ये सभी लोगों की मेहनत का नतीजा है जो आज मैं चौथी बार चुनाव जीता हूँ, और हमारे साथ पूरी हमारी टीम है, पूरी लॉबी है, और हम लोग जनता की सेवा के तौर पे काम करते हैं। राजनीति के हट कर ज़मीनी सतह पे जनता का काम किया जाता है, इसलिए जनता बार बार हमको चुनती है। अच्छा, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? आपने तीन बार लगातार जो कार्य छूट गए हैं, कौन सा ऐसा कार्य आपके दिमाग में या जहन में चल रहा है कि वो अब की बार आपको पूरा करना है? सबसे बड़ा काम जो हम लोग लगातार प्रयास करते रहे हैं, मऊआमा में खसरा खतौनी और नक्शा जो है 1984 से खतौनी जब से गायब हुई आज तक बना नहीं है। सरकार के ऊपर बार बार प्रेशर और दबाव डालने के बावजूद भी कोई भी सरकार रही हो आज तक उसका नवीनीकरण नहीं हो सका। हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी महोदय को आदेशित भी किया है कि किसी तरह के से खतौनी जो है नगर पंचायत की बनाई जाए, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो पाता। जिससे कंप्यूटराइज खतौनी न होने की वजह से हमारे पूरे समाज को, पूरी जनता को, पूरे मऊआमा के नागरिकों को बहुत असुविधा हो रही है। किसी भी तरह की उनको ज़मीनों का कोई लाभ नहीं मिल पाता, कोई लोनिंग वोनिंग कराना चाहे, कोई दुकान उकान बनाना चाहे, किसी तरीके से उनको हर तरीके से उनको जो है उसमें बाधाएं आती हैं, और माफिया लोगों को दबा के, धड़का के, चमका के ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, और बार बार जो है शासन को आगाह किया जाता है, पर कोई तरह का इसमें जो है अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं इसके लिए अगर धरने पर भी बैठना पड़े तो मैं धरने पर बैठूंगा और इस काम को अंजाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, आम जनता से क्या कहना चाहते हैं? एक बड़ी जीत मिली है, 2600 से ज़्यादा आपको वोट मिले हैं, तो क्या आम जनता से जो आपकी है उनको क्या कहना चाहते हैं? जनता हमारे जो है जिगर का टुकड़ा है, और ये जनता की हमारी जीत है। ये जीत शुएब अंसारी की नहीं, मऊआमा की जनता की जीत है, और मैं उनका जितना हार्दिक अभिनंदन और मंदन करूं कम है, और मैं उनके लिए तन मन धन से उनके लिए समर्पित रहूंगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ शुएब अंसारी जी हैं जो जीते हैं, और उनके साथ यहां पर सभी समर्थक हैं, और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आगे आने वाले दिनों में वो सारी चीज़ें जारी रहेंगी जो इनसे पिछले तीन बार में नहीं हो पाई है। ब्यूरो जर्नलिस्ट मनीष त्रिपाठी और अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिरदा, पंजाब के टीवी प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।